दिन हो चुका है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं दोबारा से, जो इससे पहले वीडियो बनाया था मैंने कि व्हाइट पेस्टेड आईसी को कैसे निकालते हैं। आज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे व्हाइट पेस्टेड आईसी को किस तरीके से क्लीन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत हेल्पफुल। लेकिन उससे पहले जो हर वीडियो में बताते हैं, आज फिर इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अप्रैल मई की बुकिंग चालू है। इस नंबर पर आप अपना फ़ोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। अप्रैल मई की बुकिंग चालू, हमारा फीस 21,000 है, रहना खाना फ्री है। चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स रहेगा बेसिक से एडवांस तक। फीस कम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं, पूरा ही सिखाते हैं बेसिक से एडवांस तक। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास, रोजगार भी, शिक्षा भी, सेवा भी, ठीक है। आने से पहले अपना सीट बुकिंग जरूर करा लें। अभी अप्रैल मई की बुकिंग चल रही है, अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं, मई की भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल में कुछ ही खाली हैं। आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। 21,000 फीस, रहना खाना फ्री, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे जो आईसी होती है व्हाइट पेस्टेड आईसी, उसको किस तरीके से निकालें और किस तरीके से लगाएं। ये वीडियो पार्ट वन में बता दिए थे, आज का जो पार्ट टू है हमारा, किस तरीके से आईसी को क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, ये जो मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये वही मदरबोर्ड है जिसका पार्ट वन बना के मैंने आपको दिया था। आज हम बात करेंगे जो आप देख रहे हैं ना, इस पे जो वाइट पेस्ट जो है, और जो हमारा जो पॉइंट था, ये जो उखड़े थे हुए थे, बहुत सारे लोग सोच रहे थे प्रिंट उखड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये है, तो थोड़ा सा इसको आपको पहले थियोरिकल समझना है, पहले आपको थियोरिकल समझना है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम थ्योरी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये आईसी हमारी यहाँ पर लगाते हैं, जब हम इसको हीट करते थे या इसको निकालेंगे, जब हम आईसी को यहाँ पर हीट देते हैं मदरबोर्ड पर, और हम चेक करते हैं आसपास के कंपोनेंट जो हिल जाते हैं, जब आईसी के नीचे से जो उसका टूल्स होता है आईसी को ऊपर उठाने के लिए, तो हम उसको ऊपर उठा लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। तो जो हमारे पॉइंट होते हैं ना, ये एनसी के होते हैं, इनको उखड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड खाली, जो कि हर सेक्शन में ज़्यादातर मिलते हैं। ये सपोर्टिंग के लिए होते हैं, आईसी की मजबूती के लिए, क्योंकि पॉजिटिव की लाइन कोई उखड़ती है हमारी, तो जैसे मान लो ये उखड़ा है, तो ये भी उखड़ जाना चाहिए था जो इसके पास में है ना, इसके साथ साथ ये भी उखड़ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे जरूरी थोड़ी है यही उखड़ता, तो और भी उखड़ सकते थे। जो एक आध लाइनिंग आप देख रहे हैं, इनमें भी कोई उखड़ना चाहिए यदि प्रिंट उखड़ जाते तो। लेकिन हमारा कोई प्रिंट इसमें मिस नहीं है, ये सारे हमारे जितने भी पॉइंट हैं ये एनसी के हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्लीन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू, तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। था अब यहाँ पर सीपीयू को निकालेंगे, इसका बाहर निकालेंगे सीपीयू। सीपीयू को बाहर निकालने के बाद आपको एक फ़ोटो खींच कर रखना है कि कैसे लगा हुआ था, किधर लगा हुआ था। यदि आप फ़ोटो नहीं खींच पाते हैं तो यहाँ पे एक मार्क लगा सकते हैं, जैसा कि जो हमारा सीपीयू है, इसकी जो पॉइंट थी वो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, जो पॉइंट है यहाँ से ग्राउंड की तरफ है, तो आप एक ग्राउंड पर कहीं भी इस तरीके से एक स्क्रेच लगा सकते हैं ग्राउंड पर, ध्यान से। इससे क्या हुआ कि आपको ये मालूम रहेगा कि हमारा सीपीयू किधर की साइड पे था। तो यहाँ पे हमने हल्का सा स्क्रेच लगा दिया, यहाँ से जान सकते हैं। अब सीपीयू को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो सीपीयू को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इसका वाइट क्या है ग्लू, उसको रिमूव करेंगे। तो एसएमडी का 210-220 के करीब टेम्परेचर रखेंगे, और इसका जो भी ग्लू है वो बाहर काटेंगे। ठीक है, अब चारों तरफ से ग्लू कट करेंगे इसका, इसलिए करेंगे, मैंने पीछे वीडियो बताया था पार्ट वन में, कि
जैसे ये कंपोनेंट है हम बिना गिलू कट करे निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो ये कंपोनेंट है ना ये आईसी के साथ बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे निकालेंगे, तो कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जितना भी ग्लू हल्के हाथ से आपको कट करना है चारों तरफ से। पेस्ट हम इसलिए रखेंगे इस पे थोड़ा सा क्योंकि जो हमारी आईसी है ना वो चटक जाती हैं बिना पेस्ट लगाए, तो हम इस तरीके से इस पर डालें और इसलिए डालें क्योंकि जो आसपास के कंपोनेंट होते हैं जो एक आध हिल भी जाता है तो वो अपनी जगह बैठ सकता है। जो आईसी है आप इस कोने से भी यहाँ से भी इसको आसानी से उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से आईसी हमारा निकल चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है हमारे, अब देखिए आईसी निकला निकालने के बाद कुछ पॉइंट जो हमारे एनसी के होते हैं वो आईसी के साथ में आते ही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट थे एनसी के वो बाहर आ जाने चाहिए। तो देखिए एनसी के जितने भी पॉइंट थे बाहर आ चुके हैं। आप आईसी पे भी देखेंगे यहाँ पे सीपीयू के ऊपर कि हमारी जो एनसी के पॉइंट है कुछ सीपीयू पे आते हैं कुछ मदरबोर्ड में फंसे हुए रह जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्लीन करेंगे। जब आप इसको यहाँ पे क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के साथ साथ क्या होगा कि पहले इसको गलाएंगे पेट्रोल से, इसको गलाना है अच्छे से, तो इसको यहाँ पर गलाते हैं पेट्रोल से। देखिए ये क्लीन किया। अब यहाँ पर आयरन सोल्डर पीपीटी की सहायता से हम यहाँ पे इसको थोड़ा मेल्ट करेंगे आपस में, जिससे कि जो हमारा एसएमडी का टेम्परेचर था 360-70 के करीब वो हमारा कम हो जाए। पीपीटी 138 का या 183 का यूज कर सकते हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा सीपीयू था उसके हीटिंग जो हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब इसको करेंगे तो हल्के हाथों से ही करना है आपको पूरे में। काम को जब आप करेंगे तो इसमें टाइम भी लगता है, तो आप जल्दीबाजी इसमें ना करें। ठीक है, पहले तो इसका गिलू हमारा जितना भी है वो बाहर निकालना है, उसके बाद इसमें बाकी के काम आपको करने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लीन करेंगे
पेट्रोल या आईपी से। देखिए क्लीन इसलिए करते हैं, इसके ऊपर जो भी गंदगी या मॉइस्चर रहता है वो साफ हो जाए। अब एक बार क्या करेंगे, आपको अपने हाथ की उंगली से इस तरीके से इस पर चेक करेंगे कहीं हमारा शोल्डर तो नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट डालने के बाद, यहाँ पर पेस्ट आपको ज़रूर रखना है जिसे फ्लेक्स कहते हैं, इस तरीके से। अब डी शोल्डर वायर की सहायता से इसको यहाँ पर क्लीन करेंगे। क्लीन इसलिए करेंगे जो इस पर थोड़ा बहुत शोल्डर हमारा फालतू रह जाता है उसको डी शोल्डर वायर अपने साथ कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो पहले रखेंगे, आपको ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, और हल्के हाथ से देखिए यहाँ पे इसको क्लीन किए। अब क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इस पे हमारा कुछ अभी ग्लू है, जहाँ पे आपको लाइट चमक जो दिख रही है, देखिए ये हमारा क्या है, इस पे ग्लू है। अब इस ग्लू को आपको काटने के लिए SMD का टेम्परेचर 200 पे रखेंगे और इसको हीट करके यहाँ से इसको काट सकते हैं। देखिए मदरबोर्ड क्लीन हुआ। मदरबोर्ड क्लीन होने के बाद अब जो हमारा CPU है वो आपको यहाँ पे क्लीन करना है। मदरबोर्ड देख सकते हैं अच्छे से हमारा क्लीन हो चुका है। अब जो इस पर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो लाइट का दिखेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप की जो लाइट पड़ती है वो ऊपर से इसको दिखाई देगी। यहाँ पर हमारा CPU अच्छे से क्लीन हो चुका है और जितने भी आपको होल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सब हमारे NC के पॉइंट हैं। अब CPU को यहाँ पर क्लीन करेंगे। देखिए ये काम आप, मैं चाहूँगा कि एक बार में शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस काम के अंदर आपको समय देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, हम SMT का टेम्परेचर रखेंगे जितने पाइसी निकाली थी, और हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे, और जब इसका शोल्डर जब पिघल जाएगा, जब इसका शोल्डर पिघलेगा तो आप इसके ग्लू को आसानी से काट सकते। सहायता से इसको यहाँ पे क्लीन करेंगे। तो IC पे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम देखिए कोई प्रिंट हमारा डैमेज नहीं है, जो NC के थे वो हट चुके हैं। अब आयरन से यहाँ पे क्लीन करेंगे, थोड़ा सा PPDB भी इसके ऊपर हल्का सा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ताकत का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है।
ठीक है, इतना किए। इसके बाद आईसी को जो हम डिसोल्डर वायर की सहायता से इसको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे डिसोल्डर वायर को रखेंगे और जैसा मदरबोर्ड को क्लीन किए थे उसी तरीके से बहुत हल्के हाथों से, इस पर थोड़ा बहुत ग्लू भी होता है तो हमारा डिसोल्डर वायर की सहायता से वो बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे क्लीन किए, क्लीन करने के बाद आईसी को एक बार अच्छे से साफ करेंगे, नहीं है। अब क्या करेंगे, इस आईसी को करेंगे रिवॉल्व और फिर लगाएंगे इसको मदरबोर्ड के अंदर। स्टेंसिल की बॉल हमारी मैच होंगी इसके अंदर तो हमारी आईसी रिवॉल्व हो जाएगी। यहाँ से आईसी से स्टेंसिल को अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से देखिए, जब आईसी अच्छे से रिवॉल्व होती है तो वो बाहर अपने आप निकल जाती है। को हीट करेंगे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसको हीट करेंगे। और आप गौर से देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे रिवॉल्व हो चुके हैं। जो एनसी के पॉइंट होते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बिठाना है मदरबोर्ड में। तो इसको बिठाने के लिए हम जो है इसको जो हमारा पॉइंट है किधर था, तो हमारा पॉइंट इधर था। अब यहाँ पर हमारी जो आईसी है ये आपको यहाँ पर बिठानी है और बिठाने के साथ साथ इसको किस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से था तो हम पहले इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, देखिए फिक्स होने के बाद थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट आईसी के नीचे रखेंगे। दो साइडों से आपको डालना है क्योंकि चारों तरफ जो हमारी वॉल है उन पर पहुँच जाना चाहिए। एस जो टेम्परेचर है वो 350 के करीब में रखेंगे, तो थोड़ा सा फ्लक्स इस तरीके से हम एक कोने से रखेंगे अंदर और थोड़ा सा पेस्ट दूसरी साइड से अंदर रखेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फ्लक्स आईसी के अंदर डालेंगे। अब क्या होगा कि आईसी को हम हीट करना स्टार्ट करेंगे चारों तरफ से, इसकी चारों तरफ से हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब आईसी अपनी जगह बैठ जाएगी तो आपको इस तरीके से चेक करना है। जब ये शोल्डर पिघल जाते हैं तो आईसी जब बैठ जाती है तो आपको देखिए ऊपर से नहीं दबाना, हल्का सा इस तरीके से, हिलाने के बाद थोड़ा सा हीट देने के बाद फिर इसको ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा जब भी आपको यहाँ पे जो भी करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईसी को किस तरीके से क्लीन करेंगे, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से जो भी काम इसके अंदर किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई, कोशिश की अच्छे से समझाने की। तो
वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन काम आईसी का थोड़ा हार्ड होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप जो भी काम करेंगे इसके अंदर वो आपका धीमे धीमे ही देखिए। आईसी क्लीन होने के बाद हमारा यहाँ पे सारा काम हो चुका है, सीपीयू लग चुका है।